जमशेदपुर में भारत बंद का जबरदस्त असर। जुबली पार्क खोले जाने पर राजनीति शुरू। 20 वर्षीय आफरीन अपने घर में फंदे से लटके मिली। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का जमशेदपुर में जबरदस्त असर दिखा। भारत बंद का जमशेदपुर में जबरदस्त असर देखने को मिला। जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में लगातार बंद समर्थक टुकड़ों में निकल करके बंद कराते रहे। यहाँ साक्षी बिष्टपुर जैसे मुख्य व्यवसायिक इलाके के बाजार, बैंक, पेट्रोल पंप तक बंद करा दिए गए। जमशेदपुर में कुल 142 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। सारे गिरफ्तार लोगों को देर शाम को बंद के बाद वापस थाना से बेल देकर के घर भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस के बंदोबस्त भी थे, लेकिन बंद समर्थकों ने कई जगह पर हंगामा किया, टायर जलाए, सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से बंद कराया। इस बंद को सफल बनाने के लिए सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, जबकि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी दलों के लोगों के अलावा गैर भाजपा दलों ने इस बंद का समर्थन किया और जोरदार तरीके से आंदोलन किया। 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत भारत बंद को जमशेदपुर की जनता व व्यापारियों का संपूर्ण समर्थन मिला। मोर्चे की तरफ से मैंने ये प्रदर्शन किया है। हम आम बगान से साक्षी गुलचक्कर तक आए हैं और बंद करने की आह्वान कर रहे हैं। सभी देशवासियों से, शहरवासियों से ये अपील करते हैं कि आज के दिन सब बंद रखे ताकि सरकार पर दबाव बने और वो अविलंब 3 काला कानून को वापस ले ले, क्योंकि हमारे किसानों को बॉर्डरों पर, दिल्ली की बॉर्डरों पर संघर्ष करते हुए 10 महीने हो गए। 10 महीने से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के दौरान हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस अंधी, बहरी, गूंगी और नींद में सोई सरकार के कान पर क्यों नहीं रेंग रही है। इसलिए सरकार को नींद से जगाने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर यह बंदी रखी गई है। हम लोग रोड पर निकले हैं कि पिछले 10 महीनों से हमारे किसान भाई दिल्ली की सरहद में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो 3 काले कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उसको रद्द करें, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसके विरोध में, किसान भाइयों के समर्थन में आज हम लोग भारत बंद का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है उसके समर्थन में आज हम लोग जमशेदपुर में उतरे हैं। सिख समाज सेंट्रल गुरु द्वारा प्रबंधक आज तकरीबन 1 साल हो चुका है किसानों को बॉर्डरों पे पड़े हुए, ये बहरी गूंगी सरकार के कान पे जू तक नहीं सिरक रही है। किसान 35 करोड़ जनता को जो किसान अनाज उगा के खिला रहा है, वो स्थिति में है कि उनको परिवार को देखने वाला नहीं है, लेकिन ये अंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार मौन बैठी है। ये किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हर बंदरगुप्ता द्वारा जुबली पार्क के गेट खोलने पर जबरदस्त राजनीति भाजपा द्वारा शुरू हो गई है। जमशेदपुर के जुबली पार्क को खोले जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता ने जहां इसे अपने और सरकार के प्रयासों से पार्क खुलवाने की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपाइयों ने इसके पीछे भाजपा नेता अभय सिंह के आंदोलन के परिणाम स्वरूप दबाव के कारण पार्क खोले जाने की बात कहते हुए सोमवार को लड्डू वितरण कर खुशी जाहिर की। भाजपा नेता विकास सिंह ने पार्क खोलने का क्रेडिट जहां भाजपा नेता अभय सिंह को दिया, वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता पर टाटा स्टील और सरकार की दलाली का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेता अभय सिंह ने इसको जमशेदपुर की जनता की जीत बताया और कहा कि टाटा समूह और राज्य सरकार के इशारे पर जनहित से जुड़ा सड़क साजिश के तहत बंद कराया गया था। ये कहावत है कि मजदूर बेचारा जुआनी, हां कुछ भी है, मजदूर बेचारा जुआनी, मजदूर अगर जुआनी हो जाए, मजदूर बेचारा जुआनी जेल में सजाए खड़े, जो सजाए देते हैं क्लबों में खेला करते हैं, वही अगर कोई आंदोलन करता सड़क जाम कर देता है, उस 353 के तहत गैर जमानती वारंट के तहत उसे जेल के सलाखों के पीछे बंद किया जाता है। लेकिन 1.5 वर्ष तक बंद था बिना नोटिफिकेशन किए हुए, क्या सरकार को दिख नहीं रही थी? अगर लोग सड़कों पर नहीं उतरते, पत्रकार हमारे बंधु उस पर सपोर्ट नहीं किए होते, आंदोलन की जीवटता अगर दिखती नहीं, तो मेरे ख्याल से यह आंदोलन टाए टाए फिस हो जाता। बिष्टपुर स्थित चैम्बर भवन में चुनाव पदाधिकारियों के द्वारा निर्विरोध चुने गए सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, जहां चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सहित सभी व्यापारी प्रकोष्ठ के सदस्य मौजूद थे। वहीं चैम्बर के नए अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने सभी चुनाव पदाधिकारियों का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए नए अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि चैम्बर के इतिहास में हमारी टीम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पहली बार सभी पदों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए हैं। वहीं हम अपनी नई
टीम के साथ मिलकर के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान राज्य एवं केंद्र सरकार से वार्ता कर निदान करने का प्रयास करेंगे। ये चेंबर के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनकंटेस्टेड सारे पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ है। ये चेंबर के लिए छोटे इतिहास है, बहुत पहले मुझे ज्ञात नहीं है। अगर 20 साल पूर्वजों द्वारा व्यापारियों के लिए शुरू की गई इस सिंघुम चेंबर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारियों का मंदिर है, मैं उसे नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ इस मंदिर के आगे। मैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अशोक जी भालोलिया, श्री सुरेश जी संथालिया, श्री भरत वसानी जी, सबको बहुत बधाई। पहली बार ऐसा हुआ चक्कर में, क्या कहेंगे अपने साथियों के लिए नया जो? जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरा मानना है कि चेंबर के इतिहास में या कम से कम 25-30 वर्षों के इतिहास में, जब से मैं चेंबर को करीब से देख रहा हूँ, निश्चित तौर पर इस बार सभी लोगों के अपार स्नेह, त्याग, समर्पण के भावना से चेंबर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए निर्विरोध निर्वाचन 41 पदों पर किया है, 11 ऑफिस बेयरर्स और 30 कार्य। लॉकडाउन में बंद स्किल सेंटर में लाखों की चोरी हुई, पुलिस जांच में जुट गई। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत NS-33 स्थित इन वैल्यूड स्किल सेंटर में लाखों के सामानों की चोरी कर ली गई। स्किल सेंटर के कर्मचारी सेंटर को चालू करने पहुंचे, उन्होंने पाया कि सेंटर में सामान बिखरे पड़े हैं और कई सामान गायब हैं। फर्श पर पैर के निशान भी है, जिससे पता चलता है चोरी करने में बच्चे भी शामिल हैं। सेंटर के मोबाइलाइजेशन मैनेजर चंदन कुमार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी देते हुए चंदन कुमार ने बताया, कोरोना को लेकर सेंटर बंद है। आखिरी बार सेंटर को विश्वकर्मा पूजा के समय खोला गया था। आज जब पुनः सेंटर खोलने की पहुंचे तो पाया कि सेंटर में चोरी हो गई है और चोर सेंटर में रखे 10 लैपटॉप, 10 प्रोजेक्ट, कई सारे उपकरण और अन्य सामान के अलावा 15 कैमरा भी अपने साथ ले गए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपया है। उन्होंने बताया चोर पीछे की खिड़की में लगे रॉड को काट कर घुसे थे। चंदन ने बताया कि DVC की ओर से साल भर का बिल न भरने से सेंटर की लाइन काट दी गई थी। ये पार्टी चौक के पास एक पंडित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र है, जिसमें बच्चों लोगों को शिक्षा दी जाती थी। कुछ दिनों से लॉकडाउन के समय से बंद था। अब ये विश्वकर्मा पूजा के दिन इसको पूजा उजा करने के लिए लोग खोले थे यहाँ के स्टाफ लोग। फिर आज पुनः ये लोग आके करीब 11:30 बजे आए यहाँ, तो देखे कि लोग पीछे के दरवाजे से कुछ चोर लोग अंदर घुस के लैपटॉप, TV, पंखा, कुछ और छोटा मोटा सामान यहाँ से ये लोग गायब कर दिया। अब इसका जाँच चल रहा है, छानबीन चल रहा है। लागत था जो चोरी, यहाँ के स्टाफ लोग बता रहे हैं कि 8-10 लाख रुपया का सामान छोटा मोटा सब मिलाकर लिया गया। दीनदयाल, ये हमारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र है जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित होता है और इसको हम लोग इन्वॉल्व स्किल एकेडमी के द्वारा चलाया जाता है। तो सर, विगत विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग यहाँ पे पूजा करने आए थे, तो सारा सामान सुरक्षित था, किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कत नहीं था। उसके उपरांत आज जब पुनः 27 तारीख को हम लोग यहाँ सेंटर खोलने के लिए आए हुए थे अपनी टीम के साथ, तो यहाँ पर हमने पाया कि बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। तब हमने पूरे सेंटर को 6 माले पूरे हमने सर्च किया, तो देखा यहाँ पे पैरों के निशान मिले, नंगे पैरों के निशान मिले बहुत ज़्यादा, 4-5 लोगों के। और उसके बाद हमने सब मुआयना किया तो यहाँ पे करीब करीब 10 लाख का सामान हमारा यहाँ से गायब है। तो सर, ये कहाँ से प्रवेश किया? सर, हमने मेन शटर उठाया, मैकेनिकल लैब का हमारे शटर उठाया, तो वहाँ से हमने देखना शुरू किया, तो वहाँ से पीछे में नीचे में बेसमेंट में रड काटा हुआ खिड़की का, जहाँ से चोरों ने प्रवेश किया है। श्रीमती मीरा तिवारी ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री राम वचन दुबे जी के पुण्य स्मृति पर आज वार्ड नंबर 26 बंता नगर के प्राथमिक महाविद्यालय प्रांगण में नेत्र जांच एवं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर इंटक नेता और उनके दामाद श्री राकेश्वर पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अपने आंखों की जांच करके इस शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें आसपास के सैकड़ों मरीजों ने इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया और लगभग 25 मरीजों को मोतियाबिंद के चयनित किया गया, जिनको 29 सितंबर को पूर्णिमा नेत्रालय ले जाया जाएगा और उनका ऑपरेशन होगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की मीरा तिवारी के साथ सक्रिय सदस्य सुनीता मिश्रा, सत्य प्रकाश राय जी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि
वरिष्ठ कांग्रेस इंटक नेता श्रीमान अंबुज कुमार, रमाशंकर पांडे, सरस्वती सदन, पुस्तकालय का संस्थापक बीएन लाल, वार्ड 32 की सम्मानित पार्षद श्रीमती मालती देवी, समाज सेवी ज्ञानवी देवी, शांति देवी, समाज सेवी विष्णु देवगिरी, सिद्धेश्वर उपाध्याय। कैंप के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो अस्तित्व एक सामाजिक संस्था है जी, जिसका नेतृत्व मीरा जी और उनकी इंटायर टीम कर रही है, ये लोग मिलकर पूर्णिमा नेत्रालय के मदद से जो यहाँ पर आई चेकअप कैंप का आयोजन किए हैं स्कूल में, एक बड़ा महान कार्य है। और इसके लिए इस संस्था को और उसके जो लीडर्स हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, मीरा तिवारी जी और मिस्टर जी जो हैं जी, उनको सबको धन्यवाद देते हैं जी। आप और हमको सबको पता है कि सोसाइटी में, समाज में सभी लोग इतने साधन संपन्न नहीं हैं, ये सब चीज़ बुनियादी जो चेकअप होता है आदमी को कराना चाहिए, वो अपनी बदौलत नहीं करा सकते, इतना संसाधन सबके पास नहीं है। जो लोग संसाधन संपन्न लोग हैं, जिनके पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है, वो तो कहीं भी जाकर अपना सब चेकअप करा सकते हैं। वो आई चेकअप की क्या बात है, और भी चेकअप करा सकते हैं जितना चाहें, उनको सारी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए उनके पास संसाधन भगवान ने दिया है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास इसके लिए भी पैसे नहीं है, वो केवल अपना दिनचर्या जो है रोजी रोटी में ही पूरा बीत जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए।